हम ओवर द टाइम हमारे यहाँ ओरल सिस्टम था, रिटन सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ। तो आज भी किसी भी गांव में चले जाइए, किसी पुराने से पुराने गांव में चले जाइए, और जब ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस गांव में, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रांसफर हुई नॉलेज दादी नानी से बहू से ऐसे करते करते हुई, और क्योंकि ओरल होता था तो उसमें गड़बड़ नहीं होता। रिटन में जरा सा, उर्दू समझते हैं ना आप लोग कुछ कुछ, उर्दू में नुक्ता होता है, नुक्ता, डॉट को नुक्ता बोलते हैं। तो एक एक उसका वर्ड है, वो सेम होता है, उसका आकार सेम होता है, सिर्फ नुक्ते का मामला होता है। अगर उसमें नुक्ता ऊपर लगा दो तो वो खुदा कहलाने लगता है, और नुक्ता उठा के नीचे लगा दो तो जुदा हो जाता है। तो कहानी यह है कि एक छोटा सा नुक्ता अगर ऊपर से नीचे हो जाए तो खुदा जुदा हो जाता है। तो वो इसलिए रिटन फॉर्म में नहीं था। तो आज भी आप किसी नानी दादी से जाके पूछें तो जब ना ये बेचारे अंग्रेज आए थे और ना ही दुनिया की कोई दूसरी साइंस थी, वो दादी नानी परदादी अपने घर में बहू से सुबह की, आज सूर्य ग्रहण है, बहू खाना बना के उससे पहले ही खत्म कर देगा। उसके कॉन्शियस में हो सकता है कि वो साइंटिफिकली नहीं प्रूफ करवा रहे, लेकिन वो जो बात कह रही है वो सही कह रही है। तो हम बहुत साइंटिफिक लोग हैं, हमारा पूरा जन्म से लेके अंत तक सब कुछ साइंस है। हाँ, ये हो सकता है कि एक लंबे समय तक आप, हम लोग कई जगह गुलाम बने, दूसरे लोग आए, उन्होंने अपनी सभ्यता खोकी, तो धीरे 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 हम बहुत सारी चीजों का साइंटिफिक जवाब नहीं दे पाते। महा जितने भी शिव हमारे शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, आप चले जाएं तो ये रेडियो एक्टिव की जो लाइन जा रही है उसी के ऊपर बने। इसलिए शिवलिंग की उस रेडियो एक्टिव को कंट्रोल करके उसको किस तरीके से उसका रेस इस्तेमाल करते, इसलिए उस पर लगातार दूध और पानी डालते। अब कोई आ जाए वहां से बॉम्बे में जो रोज रंग बदलते हैं, वो कह देगा शिवलिंग पे दूध डालना बेकार है लेकिन बकरे को काटना अच्छा है। तो ये फालतू का आर्गुमेंट है। उसकी साइंटिफिक वैल्यू जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस दौर में आप किसी को मजबूती से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नेशनलिज्म में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी जो हैं, पूरा महाराष्ट्र से लेके तमाम लोग उनको अपना हीरो मानते हैं, लेकिन कमाल यह है कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा वो प्रोफेसर अभी जिंदा हैं और बड़ा नाम है, क्योंकि लेफ्ट में तो पैदा ही बड़ा होता है आदमी, छोटा तो होता नहीं, डिग्री साथ लेके आता है। आप डिग्री दिखाते रहिए, आपकी डिग्री कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो तो अल्लामिया डिग्री दे के भेजते हैं उनको। तो वो हमारे यूनिवर्सिटी में हैं, उन्होंने हमको भी पढ़ाया, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री की किताब लिखी। अब मॉडर्न हिस्ट्री की वो किताब, जितने बच्चे यहां बैठे हैं आप में से जो भी आईएएस पीसीएस का एग्जाम देगा, अगर आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का पर्चा है आपको, तो उस किताब में जो लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा। अब सोचिए कि आपकी पर्सनालिटी कितनी कंट्राडिक्टरी होगी कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बड़ा वॉरियर मानते हैं, राइट? लेकिन इरफान हबीब की मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में लिखा गया है कि शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। अब आप लाख कुछ कर लें, धरना प्रदर्शन कर लें, लेकिन किताब तो है आज की भी डेट में ना। लेकिन आपको अगर पास होना है और मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप कितने भी राष्ट्रवादी हो, कितने भी शिवाजी से प्यार करते हो, लेकिन अगर पास होना है तो झूठ लिखना है ना। तो ये पर्सनालिटी का कितना क्लैश कि जो नहीं है वो लिखना पड़ रहा है एक पास होने के लिए, और जो है उसको बोलने से। तो आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और जब समाज थोड़ा जागता है तो मेरे इस 10-12 साल के दौर में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं मुंबई गया हुआ था और मुंबई में मैंने बहुत स्पीचेस दी। तो ऐसे ही एक सभा थी रात में, 1-2 बज गए थे, तो मुझे एक बिटिया आई और एक 8th क्लास की सोशियोलॉजी की किताब उसने मुझे दी, और मैं मराठी जानता नहीं था, तो उसने बताया कि सर इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो मैं आधी बात नहीं समझ पा रहा, तो मैंने किसी से कहा क्या कहना चाहती है। 8th क्लास की किताब महाराष्ट्र स्टेट की स्कूलों में पढ़ाई जा रही है सोशियोलॉजी की, और मराठी में कमाल का उसमें खेल हुआ, क्योंकि जो लोग इंचार्ज थे वो महान लोग हैं, आज तो आजकल जेल में है वो। उसमें क्या लिखा हुआ था
मैंने जब हिंदी का उसका अनुवाद कराया उसमें लिखा हुआ था भगत सिंह राजगुरु और कुर्बान अली को फांसी पे चढ़ाया गया, यकायक उसमें कुर्बान अली घुस गए। अब आप मुझे बताइए, आप यहां बैठे हैं, मैं यहां हूं, और अगर ये कुछ 10 साल तक बात अगर नोटिस में नहीं आती तो जो बच्चा अभी 10वीं से निकलेगा वो कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं, हमें तो कुर्बान अली बताया गया, सुखदेव गायब हो गया उसमें से कुर्बान लिया गया, तो ये हमेशा चला है। लेकिन आप उस दौर में हैं जब हम चिल्ला के बोले, कई बार बोले, तब जाकर के 8th class की किताब में से वो सब आपके बंगाल है, बहुत तरक्की पसंद है, सारा लेफ्ट वहीं पैदा हुआ है, वहां पे जो किताब पढ़ाई जा रही थी उसको भी कमाल की थी। उसमें क्या था कि रामा जो था वो बाहर से आया था, रामा कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, पहले तो राम से रामा हुआ और फिर वो विदेश से आया था, जैसे कोई आदमी का अटैची लेके आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आज के दौर में आपको चेक करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी हिंदू और कुछ भी मुसलमान और कुछ भी लेफ्ट नहीं है, जो करेक्ट है, जो ओरिजिनल है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैं आप सबसे बार बार यही कहता हूं कि जैसे भारत का संविधान है, तो भारत का सब अभी बात ये मैं वहां जहां बोल रहा था थोड़ी देर पहले वहां भी मैंने बताया, भारत का संविधान जब पूरा तैयार हो गया, सब कुछ उसमें कंप्लीट हो गया, जो उसका रिटन फॉर्म था, तो अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो सोचिए कि जो उस वक्त के लोग थे वो कितने दूरंदेशी लोग थे, क्या उनका विजन था। उसमें जो भारत के संविधान की जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, इंडिया दैट इज भारत, राइट। अब अगर आज आप पढ़ेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, तो आपने भारत को देखा नहीं, तो आप इमेजिनेशन ही करेंगे ना कि भारत ऐसा होगा, भारत वैसा होगा। कुछ गलत भी कर सकते हैं, कुछ सही भी कर सकते हैं, इमेजिनेशन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो नहीं होती है। लेकिन आपके पूर्वजों में ऐसे लोग थे कि उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया तो यह है, भारत के बारे में कैसे पता चले कि भारत क्या था। तो अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच का ये कन्वर्सेशन है, उन्होंने कहा कि हमारे हजारों साल पहले गवर्निंग सिस्टम कैसा था, उस गवर्निंग सिस्टम के जो सिंबल्स हैं अगर हम उसको इसमें डाल दें तो भारत स्टेट के रिलेशन सेंटर के साथ कैसे थे, बिजनेस कैसे होता था, वो तमाम सारी चीजों पे हुआ। और दो लोगों ने इसे खामोशी से करके कहा कि हम उस वक्त की सभ्यताओं के चित्र इसमें डाल देंगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो इससे कनेक्ट कर लेगी, क्योंकि हमारे कोर्स में तो बताया नहीं जाता। तो उन दोनों लोगों ने मिलकर के बंगाल के शांति निकेतन के अंदर, वहां बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो आर्ट वगैरह बनाता था, उसमें नंदलाल बोस को बुला करके ये बात हुई, और नंदलाल बोस के जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था राम विभोर सिन्हा, और ये जबलपुर के रहने वाले थे। तो ये हुआ कि उनको संविधान दे दिया गया और संविधान को पढ़ पढ़ के कहां पे क्या क्या हो सकता है उसमें आप चित्र डाल दीजिए जिससे लोग कनेक्ट कर ले। हो सकता है आज टेलीविजन आ गया, उन लोगों ने नहीं सोचा होगा ना टेलीविजन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तमाम सारी चीजें उसमें पड़ी। तो भारत के संविधान के पहले पेज पर अब अगर ये ओरिजिनल संविधान में सारी चीजें डाली गई थी तो फिर किन लोगों के षड्यंत्र से वो पास हो गए, साइन हो गए, वो कॉपी ओरिजिनल लोकसभा के अंदर हीलियम गैस में रखी हुई है, अभी उसकी कुछ फोटो कॉपी भी छपी है, उसकी एक कॉपी हमारे पास भी है, उसमें कुल मिलाकर 22 चित्र लगे हुए। अब संविधान आप खोलेंगे जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है उसके ऊपर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। तो उस वक्त के लोग जिनका बीजेपी से आरएसएस से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में देख रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बनाए। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है।
उसी में कृष्ण जी की है, उसी में छत्रपति शिवाजी की है, उसी में रानी लक्ष्मीबाई की, उसी में सुभाष चंद्र बोस की। तो अब वो सारे के सारे पिक्चर हटा दिए, बाद में हटाए ना, उस वक्त सब लगे थे। तो अब क्योंकि हम वो उस मुहिम को चला रहे थे तो पता चला कि जो अभी अभी नई पार्लियामेंट बनी है तो उन्होंने क्या किया है कि नई पार्लियामेंट में जितने एमपी थे सबको एक झोला दिया दिया और उस झोले में ओरिजिनल संविधान की फोटोकॉपी लगा दी। अब उससे बड़ा पेट में दर्द है लोगों के, भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी संसद नहीं बनी है लेकिन हम वही वाला संविधान देंगे, उस संविधान में न सोशलिज्म है न सेक्युलरिज्म है। तो अब ये कह रहे हैं इन्होंने हटा दिया, अरे भाई वो उसमें वही कॉपी छपाई है और उसमें सारी तस्वीरें लगी हुई है। तो अगर वो नंदी की तस्वीर कहां से ली गई है, वो नंदी की तस्वीर इस समय जो बनारस में विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आप सोचो कैसा टेंपर हुआ है। उस जगह का नाम है ज्ञानवापी मंदिर, मंदिर वो ज्ञानवापी मस्जिद हो गई है। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? आप उसको ज्ञान, वहां तो कुरान से भी पढ़ा जाता है, मंदिर के अंदर ज्ञान बांटा जाता है। हमारे यहां ज्ञान लेने के लिए वो मंदिर जाते थे और शिक्षा लेने के जैन आते। तो शिक्षा तो यूजीसी तय करती है, ज्ञान थोड़ी तय करती है। ज्ञान और शिक्षा में फर्क है भाई। इसने जो आईएएस हो गया यार, क्या क्या नॉलेज है उसे यार, बड़ा ज्ञान, कोई ज्ञानी वानी नहीं है। 3 घंटे में जो उसने रटा था उसे राइट टाइम पे याद आ गया, उसने पूरा पास हो गया। और आपने जो रटा था उस वक्त आप स्लिप कर गए तो आप कमजोर हो गए, ये नहीं है। शिक्षा एक अलग चीज है, शिक्षा और ज्ञान एक साथ नहीं, ये सब चीजें मिक्स हुई है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे यहां, यहां मैंने सुना है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगता है, ठाकुरवाद के खिलाफ, ये सब लगते हैं ना आपके यहाँ, ये लोगों का एक अपना शगल है, उसे लगाने के बाद उनमें थोड़ा जान आ जाती है। हमारे यहां किसी भी दौर में उठा के देख लें, हमारा हमारा समाज और भारत और इसकी सभ्यता को देख लें, यहां कभी भी ये देश जाति प्रधान नहीं रहा। अनादि अनादिकाल से भारत कर्म प्रधान देश है। अगर आप किस मां के पेट से पैदा हुए हैं ये कोई महत्व नहीं रखता। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यूजीसी की शिक्षा नहीं, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप ब्राह्मण हैं, यही है ना। लेकिन ओवर द टाइम आप 1857 को अगर याद करें, 1857 में किसने गोली चलाई थी? मंगल पांडे ने, बलिया का रहने वाला था। तो मंगल पांडे तो ब्राह्मण था, उसे तो गोली नहीं चलानी चाहिए थी, ये तो छत्री का काम है, नहीं। तो उसका कर्म क्या था, जनेऊधारी था वो एक अलग बात है, लेकिन जब उसने गोली चला के अंग्रेज अफसर को मारा तो उससे बड़ा छत्री कौन हो सकता है? तो 1857 में जो क्रांति हुई उसको कुछ लोग बड़े सेलेक्टिव अंदाज में पढ़ रहे हैं आज की डेट में। 1857 में ब्रिटिशर्स और इंडियन जो यहां के क्रांतिकारी थे ये आमने सामने बढ़ गए, राइट। उस क्रांति के बाद में आप देखें कि 1857 से लेकर के 1885 तक अंग्रेजों ने जो भारत की सबसे ताकतवर संस्था थी, ये सिस्टम, उसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं तो एक अजीब नोशन आता है आपके दिमाग में, उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो सिस्टम था उसको धीरे धीरे ब्रेक करा। और इसी दौर में कास्ट सेंसस हुए कि नहीं हुए, और उस स्ट्रेंथ को ब्रेक करने के बाद आखिर में लास्ट क्या हुआ कि 1885 के अंदर कमाल का देश है, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो वहां की सीक्रेट सर्विस में काम करता था, He was appointed as collector of ये मैनपुरी के पास जो मुलायम सिंह का इलाका, क्या है जगह वो, एक और जगह इटावा, वो इटावा का कलेक्टर था। और ये सारी चीजें तय करके
कि ये दोबारा सिचुएशन ऐसी ना हो कि हिंदुस्तानी और अंग्रेज आमने सामने हो जाएं, तो हिंदुस्तानी अगर 100 मिलकर दौड़ा लेते तो ब्रिटिश साम्राज्य उखड़ जाता, वो बुद्धिशम थी। उन्होंने क्या किया कि उस कलेक्टर को वहां भेजा एक एजेंडे के साथ। उस कलेक्टर ने हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ के लोग थे उसमें तलाशा कि कौन कौन अंग्रेजी ज्यादा लोग हैं, जो अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हैं और शाम को विशेष किस्म का पानी भी पीते हैं, उन सबको ढूंढा। बाकायदा लंबी एक्सरसाइज चली, और उसके बाद जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है, वो एस्टेब्लिश क्लास थी, उन लोगों का एक क्लब बनाया लाइक माइंडेड लोगों का कि भाई इन लोगों से बातचीत हो। 1857 में देख चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि हिंदुस्तानी अगर पत्थर मारते तो वो भाग जाते, उनको मालूम था ये। तो उन्होंने जब ये क्लब बनाया तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका आज की डेट में जो अध्यक्ष है, जो आलू से सोना बना रहा था, उस वक्त सोचिए कि उसका अध्यक्ष एओ ह्यूम था और बाद में 5 अंग्रेज इसके अध्यक्ष रहे, और उसके पीछे एक ही मंशा थी कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जब भी कोई कन्फ्रंटेशन आमना सामना ब्रिटिशर्स का और क्रांतिकारियों का होगा तो बीच में कांग्रेस एक मीडिएशन का काम करेगी। आप मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो कि जिन्होंने हम पे राज किया, वही हम अपने आप से आजाद करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाई अब इसे हमें बाहर निकालने के लिए हमने बनाई है, लेकिन वो चल रही। और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस चलते चलते जब यहां पहुंची तो आप सोचो कि क्लासिक है इसमें घटनाएं कुछ कुछ, कि आपको याद होगा, और ये नटवर सिंह की किताब है और नटवर सिंह जीवित हैं और नटवर सिंह जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी थे, बाद में इंदिरा गांधी की हुकूमत में वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और वो भी रहे आपके पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे, जीवित हैं और ब्रिलियंट आदमी है। उन्होंने दो चीजें बड़ी अच्छी बताई। 1961 में एडविना माउंटबेटन, चचा की दोस्त, वो कहीं इंडोनेशिया के किसी टापू पर छुट्टी मनाने गए और वहां उनकी हार्ट फेल होने से डेथ हो गई। अब ये नटवर सिंह लिख रहे हैं, पेज नंबर 40 पर लिख रहे हैं, ये तीसरा पैरा या दूसरा पैरा, कि जब उनकी डेथ हो गई और ये खबर यहां पहुंची तो नेहरू जी ने भारत की संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया। भाई वो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, राज्यसभा की मेंबर नहीं थी, तो जब वो सदन की मेंबर नहीं थी तो फिर उस किस बात के लिए उनको शोक प्रस्ताव पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी दोस्ती होती है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो उस वक्त ये हुआ, और 79 की घटना, जब जेपी का पूरा मूवमेंट पूरे देश में चल रहा था, याद है जेपी आंदोलन सिताब दियारा से जब वो निकल के आए थे, तो उस वक्त जेपी बीमार थे और काफी समय तक 2 बार उनके डेथ की खबर भी आ गई, क्योंकि रेडियो था, टेलीविजन नहीं था, तो जेपी की भी डेथ हो गई 79 में। अब 79 में जनता सरकार थी, लेकिन अंदर सिस्टम क्या था, 79 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी नाम की एक ग्रुप था जो वहां इंग्लैंड से कुछ पोर्शन को अलग करने के लिए युद्ध लड़ रहा था। IRA का नाम आपने सुना होगा, वो सब बहुत ही स्ट्रांग लोग थे। तो एडविना माउंटबेटन के पति 79 में IRA के उस इलाके के अंदर किसी बोट पर बैठ करके, एक टूना मछली होती है जिसे खाने से उनको लगता था फायदा होगा, तो वो पकड़ रहे थे और IRA वालों ने उनकी बोट के नीचे बम लगा दिया और धमाका हुआ और उनकी डेथ हो गई। ठीक है सर, भारत से 2 नेवी के फ्लीट यहां से वहां गए और अंतिम सलामी देके आए, भारत आजाद। और जेपी को भारत की संसद में श्रद्धांजलि नहीं दी गई ये कहते हुए कि भाई ये तो